हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग बेटा एक फॉर्मल डेफिनेशंस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे एआई की, कि क्या डेफिनेशन है एआई की, एआई होती क्या है। ठीक है, एक डेफिनेशन पढ़ना शुरू करेंगे। वैसे तो हमने ये समझ ही लिया है एनीथिंग व्हिच इज आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड और व्हिच इज अ कॉपी ऑफ एनीथिंग। अनुआ संदेश, कैन यू म्यूट योरसेल्फ? जल्दी से, मम्मी ने तो नहीं मारी। संदेश मारी तो हम लोग सबसे पहले जॉन मैकार्थी की दी हुई डेफिनेशन को पढ़ेंगे और समझेंगे है क्या, और उसके बाद सर और डेफिनेशंस भी देखेंगे कि एआई की और डेफिनेशंस क्या प्रोवाइड की गई हैं हम लोगों को। डेफिनेशंस कई हैं लेकिन मतलब सबका एक ही है, कोई किसी तरीके से किसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, कोई किसी तरीके से रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है। क्लियर है बेटा? यस सर। तो सबसे पहली जो डेफिनेशन आई थी वो आपकी डार्माउट कॉन्फ्रेंस से आई थी और वो जॉन मैकार्थी ने डेफिनेशन दी थी। अकॉर्डिंग टू द फादर ऑफ एआई जॉन मैकार्थी, इट इज द साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑफ मेकिंग इंटेलिजेंट मशीन, स्पेशली इंटेलिजेंट प्रोग्राम। अब यहां पे इंटेलिजेंट का मतलब क्या है? डेट एक्ट अकॉर्डिंग टू द रियल लाइफ एनवायरमेंट। जैसे आप लोग पहले पुराने जमाने में आप लोगों ने देखा होगा कि टीवी पे कोई भी कार्यक्रम जो आता था वो शेड्यूल्ड रहता था, आज भी रहता है शेड्यूल्ड कि 9 बजे एक्स प्रोग्राम आना है तो वो एक्स प्रोग्राम 9 बजे ही आएगा और उस प्रोग्राम में जो कुछ भी गिवन है, जो कुछ भी पहले से प्री रिकॉर्डेड है वही आएगा, आपके मूड के हिसाब से नहीं आएगा। कुछ प्रोग्राम आजकल इंटरेक्टिव हो गए हैं, ठीक है ना, वो आपसे इंटरेक्ट करना चाहते हैं कि भाई आप, जैसे आपने देखा होगा 1 प्रेस करो तो ये चल जाएगा, 2 प्रेस करो तो वो चल जाएगा। तो वहां पे भी ऑप्शंस हैं, वहां पे भी डिसीजन आप ही को लेना पड़ रहा है। हम ऐसी मशीन्स के बारे में बात कर रहे हैं जहां पर डिसीजंस ह्यूमन ना लेकर मशीन ले, ऑटोमेटिक डिसीजंस जहां पर लेने की कैपेबिलिटी हो, और डिसीजन आप तभी ले पाएंगे जब आपके पास इंटेलिजेंसी हो पाएगी। डिसीजंस आर ऑलवेज बैक्ड अप बाय द इंफॉर्मेशन। आप कोई भी डिसीजन लेंगे तो आपके पास कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होगी, उसी इंफॉर्मेशन पर आपने वो इंटेलिजेंसी, वो डिसीजन लिया होगा। तो ये डेफिनेशन क्लियर है? जैसे मान लीजिए कि मैं आपसे कहूं कि आपको क्लास करना है कि नहीं करना है, तो कुछ इंटेलिजेंट लोग होंगे वो कहेंगे नहीं करना है, कुछ नॉन इंटेलिजेंट लोग होंगे वो करना है ना। तो डिपेंड करता है अपने अपने विचारों के ऊपर, और विचार वो आपने किसी ना किसी बैकग्राउंड के हिसाब से लिए होंगे। आपको पास कोई इंफॉर्मेशन आई होगी, उस इंफॉर्मेशन के हिसाब से वो सारे बैकग्राउंड में आपके पास
चीजें आई होंगी। मैं फिर से रिपीट की दे रहा हूँ कि जितने लोग आ रहे हैं वो अटेंडेंस चैट बॉक्स पे डालते रहे, क्योंकि उनकी अटेंडेंस चैट बॉक्स के हिसाब से ही लगेगी बेटा, ठीक है? तो आप अपनी अटेंडेंस चैट बॉक्स चैट में डालते रहिए, चैट इनेबल है इसीलिए। दूसरी डेफिनेशन क्या है? इट्स अ वे ऑफ मेकिंग अ कंप्यूटर, अ कंप्यूटर कंट्रोल रोबोट और ए सॉफ्टवेयर थिंक इंटेलिजेंटली इन द सिमिलर मैनर द इंटेलिजेंट ह्यूमन थिंक। यानी यहां पर भी डिसीजन आप स्वयं लेंगे, मशीन खुद लेगी, ठीक उसी तरीके से जैसे जो है इंटेलिजेंट पर्सन डिसीजन लेता है। क्लियर है? अब कई सारी डेफिनेशंस हैं जो कई, मैं कहूंगा कई साइंटिस्ट ने प्रोवाइड की, कई फिलोसोफर ने प्रोवाइड की एआई की। तो जो सबसे पहली डेफिनेशन है वो तो हम लोगों ने जॉन मैकार्थी की पढ़ ली। इसके अलावा एआई में भी डिफाइंड एज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद द ऑटोमेशन ऑफ इंटेलिजेंस बिहेवियर। मीन्स इट इज अ पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस, इट इज वन ऑफ द स्ट्रीम ऑफ कंप्यूटर साइंस, जहां पे ऑटोमेशन हम अपने बिहेवियर में लाने की कोशिश करते हैं। दैट इज गिवन बाय द लूगर इन 1993। आप देख रहे होंगे डेफिनेशन कंपेरेटिवली जो समय है उनका, आपका अर्लियर 90s का आपका है, लेटर 90s का है, क्योंकि आपका जो स्टडी बेसिकली डेफिनेशन एआई की शुरू हुई थी वो लास्ट में शुरू हुई थी इन आफ्टर 1945, जब आपका डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस हो गई, उसके बाद काफ़ी बाद में या इसकी स्टडी शुरू हुई। और अभी भी ये ऐसी फील्ड है जिसमें बहुत सारी रिसर्च इन्वॉल्व है और अभी बहुत सारी चीजें इसमें लोग इवॉल्व कर रहे हैं। द एक्साइटिंग न्यू एफर्ट टू मेक कंप्यूटर थिंक मशीन विद माइंड्स इन फुल एंड लिटरल सेंस, यानी मशीन्स जिनके अंदर सोचने की कैपेबिलिटी हो, दैट कैन टेक देयर ओन डिसीजन depending upon the past fact or depending upon the information stored in them. Bellman ने 1978 में एक और definition दी थी कि the automation of activities that we associate with the human thinking activities such as division making, problem solving, learning are the part of आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम बेटा अभी तक के? कर्ज़वेल ने 1990 में कहा था द आर्ट ऑफ क्रिएटिंग मशीन डैट परफॉर्म फंक्शन डैट रिक्वायर इंटेलिजेंसी व्हेन परफॉर्म्ड बाय पीपल लाइक प्लेइंग चेस इज ऑलवेज कंसीडर एज अ इंटेलिजेंस एक्टिविटी। आप इंटेलिजेंट होंगे तो बहुत ज्यादा आप चेस खेलते होंगे, या वो चीजें खेलते होंगे जहां पे माइंड गेम बहुत ज्यादा यूज होता है।
आजकल तो हर जगह माइंड लगता है आपका, लेकिन नॉर्मली ऐसी जो चीजें जहां पर माइंड का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है उसको हम लोग कहते हैं वहां पे एआई यूज होती है। रिच एंड नाइट एक बुक भी आती है इनकी, इन्होंने एक डेफिनेशन दिया है द स्टडी ऑफ हाउ टू मेक कंप्यूटर टू डिंग थिंग्स दैट विच एट द मोमेंट पीपल आर बेटर। करेंटली पीपल जिस काम को करने में बेटर है उसको किस तरीके से कुछ लोग बता रहे हैं वो ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। भाई मेरे पास कोई रिक्वेस्ट नहीं पड़ी हुई है ज्वाइन करने की, वो देख ले उनका नेटवर्क कनेक्शन सही है कि नहीं है। और आप लोगों से मैं बार बार कह रहा हूँ अटेंडेंस चैट बॉक्स पे लगाते रहिए। वी हैव अ 52 पार्टिसिपेंट नाउ और अटेंडेंस 38 की लगी हुई है केवल। The study of mental faculties through the use of computational model, ये आपका चार्नक और मैकडरमॉट ने बताया था। These are the sum of the definitions given by AI, और इनका अगर क्रक्स निकालें, कहा था ना कि हर चीज का जो है मेन पार्ट क्या है, एसेंस क्या है, तो इसका मेन पार्ट AI का एसेंस ये है कि ऐसी मशीनें जो ह्यूमन बीइंग की तरह थिंक करें, जो गिवन सिचुएशन में ह्यूमन किस तरह एक्ट करेगा उस तरीके से एक्ट करें, उसको हम इंटेलिजेंट मशीन कहेंगे। अब ह्यूमन भी हर समय इंटेलिजेंट नहीं होता, ह्यूमन बीइंग भी हर समय इंटेलिजेंट नहीं होता, वो डिसीजन जो लेता है वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस से, अपने पास इंफॉर्म्ड इंफॉर्मेशन से, स्टोर्ड इंफॉर्मेशन से डिसीजन लेता है। तो सीधी सी बात है, डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो इंटेलिजेंट दिखाई पड़े और इंटेलिजेंट हो। तो अब बात है कि गोल्स क्या हैं एआई के, हम एआई से अचीव क्या करना चाहते हैं। भाई एआई एक टर्म बना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट एक टर्म बना है, तो उसके कुछ गोल्स होंगे ना, कुछ टारगेट होंगे जिनको अचीव करना है। तो सबसे पहला टारगेट है टू क्रिएट एक्सपर्ट सिस्टम, यानी हम ऐसे सिस्टम बनाए जो एग्जिबिट करें इंटेलिजेंस को, इंटेलिजेंट बिहेवियर को, जो चीजों को सीख सकें, डेमोंस्ट्रेट कर सकें, एक्सप्लेन कर सकें और अपने यूजर्स को एडवाइस कर सकें कि अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो ये सर्कमस्टांसेस होंगे, अगर आप ये डिसीजन लेंगे तो ये सर्कमस्टांसेस होंगे। आजकल आपने एक वर्ड का नाम सुना होगा बी आई इज बिजनेस इंटेलिजेंस, नाम सुना है बीआई का? नो सर। अच्छा, आजकल आप देखते होंगे कि तमाम सारे ऑफर्स आप लोगों को मिला करते हैं, कोई चीज खरीदने जाओ तो कोई ऑफर मिल जाता है। तो ये जो ऑफर फॉर्मिंग है ये किस पर बेस्ड होती है? हाँ, आपने देखा होगा जब हम दिवाली होती है, इसमें धनतेरस वाला दिन होता है, उस दिन कोई ऑफर नहीं मिलता है। यानी जो बिजनेस कर रहे हैं उनको ये मालूम है किस समय लोगों को ऑफर देना है और किस समय लोगों को ऑफर नहीं देना है। तो ये सब बेसिकली जो डिसीजंस होते हैं दैट हैज बीन सपोर्टेड बाय द प्रीवियस डेटा, प्रीवियस कलेक्टिव डेटा के बारे में ये सारी चीजें लेके उसके ऊपर चीजें फ्रेम की जाती हैं, डिसीजन फ्रेम किए जाते हैं।
2020 की बात अगर आप करें तो 2020 में बहुत सारे डिसीजन फेल हो गए थे, क्योंकि जो पैंडेमिक सिचुएशन आपने देखी ये पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो हम लोगों को भी इस तरह के एक्सपीरियंसेस नहीं थे। आपने भी अपने स्कूल कॉलेज में जिस तरह से पढ़ाई की होगी पिछले 6-7 महीनों में, वो आपके लिए भी नया था। नया था कि नहीं नया था? हम लोगों ने नहीं की थी, हम लोग की छुट्टी हो गई थी सर, पढ़े ही नहीं थे। अच्छा, बिना पढ़े पास हो गए? ट्वेल्थ के बाद आया था, नया था पर हो गया था ये पैंडेमिक। पैंडेमिक आपका जो है, अगर आप कॉलेज सेल्फ से ऑफ हो गए थे मार्च में ऑफ हुए थे ना बेटा? कहते हम कह रहे हैं जो पैंडेमिक आया था ये मार्च से आपके कॉलेजेस ऑफ होने शुरू हो गए थे ना? यस सर, हम लोग का फरवरी में हम लोग का हो गया था। और नहीं सर, हम लोग का एग्जाम हो गया था यूपी बोर्ड का, एक तो एग्जाम शायद कैंसिल भी हो गए थे। हाँ सर, हिंदी का 12th सीबीएसई बोर्ड का नंबर के बेसिस पे मिला था। लेकिन अभी जो आपके जूनियर जिस तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे, अगर आप लोगों का कोई छोटा भाई हो जो आप या जिसको देख रहे हो, तो उसके लिए वो पढ़ाई नहीं है। आप जिस तरह आज हमसे पढ़ रहे हो ये भी पढ़ाई नहीं है कि नहीं है? नहीं है भाई, इससे पहले इसके बारे में कोई एक्सपीरियंस था नहीं? आपने देखा कि इस पैंडेमिक की वजह से तमाम नए तरह के जो है सिचुएशंस आ गई और नए तरह के बिजनेस आ गए आजकल। पहले जो ट्यूटोरिंग जॉब थी, जो ट्यूटर्स और मेंटरिंग की जॉब थी, वो लोकल एरिया में लोग लेते थे कि मैथ तो जोशी सर से पढ़ेंगे। यस सर, ऐसा होता था कि नहीं होता था? यस सर, ये कोई बनारस का बच्चा है तो अपना बनारस के एरियास के टीचर से ही पढ़ता था। विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स और जो आप इंटरनेट का यूज आप देख रहे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि आप एकेडमी का यूज करके कहीं पे भी पढ़ाई कर रहे हैं? आपदा को अवसर बदल दिया। अब वो बात अलग है कि अवसर कहीं बाद में आपदा ना बन जाए। बात तो आपकी बिल्कुल 100% सही है कि हमने आपदा को अवसर में बदल दिया और ये बदलना चाहिए, लेकिन मेरी बात यहाँ पर यह आ रही है कि इसके बारे में पहले कोई रिकॉर्ड तो था नहीं। यस सर, यस सर, ये सब लोग जानते थे कि हर 100 साल बाद, जैसे 2020 आया ना, 1920 में भी एक बीमारी आई थी, 1820 में भी एक बीमारी आई थी, लॉन्च, हाँ लॉन्च कह सकते हो, क्योंकि सब बीमारियां ह्यूमन मेडेड हैं, अपने आप तो आती नहीं भाई। इस वायरस को लोग चाइनीज वायरस कहते हैं भाई, हमारे ट्रम्प साहब थे वो चाइनीज वायरस चलाते रहे, और ओरिजिन भी इसका चाइना से ही था। यस सर, इसके अलावा आपका येलो फीवर पहले शुरू हुआ था 1920 में भी, इस तरह की चीजें हुई थी, 1820 में भी हुआ था। उस समय भी एक जो आइजैक न्यूटन की आप थ्योरी पढ़ते हैं, जब उनके सर पे सेब गिरा था तो भी आपदा का समय था, और उस समय भी लोग आइसोलेशन में चल रहे थे, और आइसोलेशन में चलने की वजह से ही वो बेचारे जो है एक पार्क में बैठे हुए थे, उनकी खोपड़ी के ऊपर सेब गिर गया था। नहीं तो आजकल आपदा अगर ना हो तो सेब और अंगूर मिलेंगे कहाँ पेड़ पे? तो कहने का मतलब है कि ये सिचुएशन पहले नहीं थी, अब हमारे डेटाबेस में आ गई है कि भैया इस तरह की प्रॉब्लम भी आ सकती है, तो अल्टरनेटिव बिजनेस का कोई ना कोई रखो जरूर। क्लियर है ना? जैसे आपने देखा होगा कि जैसे लॉकडाउन की सूचना मिली थी, बाजारों में भीड़ बढ़ गई थी कि नहीं बढ़ गई थी? यस सर, वो हम लोग की आदत होती है, जैसे पता लगता है कुछ होने वाला है तो कहते हैं
तुरंत ले आओ घर के अंदर, जिससे का ऐसा ना हो कि हमको बाद में ना मिले। अरे आप कितना रख लोगे, कै साल के लिए रख लोगे, कै महीने के लिए रख लोगे? जैसे बीच में एक अफवाह नहीं उड़ी थी कि नमक नहीं है मिलेगा, है ना? तो आप लोग, आप में से भी कई लोग गए होंगे तो 100 नमक लेके आए होंगे। नहीं सर, इंटेलिजेंट है लोग। नहीं नहीं हम ये नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा हुआ था कि नहीं हुआ? हुआ था सर। तो कहने का मतलब है हम लोग पास पास्ट एक्सपीरियंस इस तरह के रहे हैं। अभी भी भैया कुछ लोगों ने अगर अटेंडेंस नहीं लगाई तो अटेंडेंस लगा दे, 47 लोगों की अटेंडेंस दिखाई पड़ रही है, 52 पार्टिसिपेंट है। कोई बेचारे 5 लोग हैं जिन्होंने छोड़ रखी है। तो एक्सपर्ट सिस्टम समझ में आया? एक्सपर्ट सिस्टम किस तरह से डिसीजन लेता है? अपने प्रीवियस एक्सपीरियंस से, और वो फिर आपको सजेस्ट भी कर सकता है कि डिसीजन ये लेना है यहाँ पे, डिसीजन ये लेना है यहाँ पे, डिसीजन एक्स लेना है, वाई लेना है, जेड लेना है, इस तरह से आपको दे सकता है ऑप्शंस। दूसरा गोल क्या है? टू इंप्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंस इन मशीन, द एबिलिटी टू थिंक, लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। दिस इज अ गोल टू अचीव बाय एआई, रिक्वायर्ड टू अचीव बाय एआई। इंटेलिजेंट इंटेलिजेंसी मशीन्स के अंदर भी आ जाए, से बात कर रहे हैं, मशीन भी उस तरीके से बात कर सके, उस तरह से इंटरैक्ट कर सके। भाई क्या मुझे मालूम है अगला आपकी तरफ से कौन सा क्वेश्चन आने वाला है? आपको मालूम है मैं आगे क्या बोलने वाला हूं? नो सर। तो जब हमको ये नहीं मालूम है कि हम क्या बोलने वाले हैं और आप भी उस पर रिएक्ट करेंगे, कोई ना कोई एक्शन या कोई ना कोई रिएक्शन क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर आप करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? क्या आपने सोचा और जवाब दिया? और ये कोई प्रोग्रामड चीज नहीं है कि आपको सीक्वेंशियल चीजें मैंने लिख के दे दी और आपने उसी के हिसाब से काम करना शुरू कर दिया। क्लियर है मेरी बात बेटा? अब अगर हम देखें तो एआई के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अगर देखें तो एआई के अंदर कंप्यूटर साइंस तो है ही है, बायोलॉजी भी है, साइकोलॉजी भी है, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस भी है। लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस क्या होती है? बोलने की क्षमता, लैंग्वेज, किसी भी चीज को जो नए अच्छे अच्छे आपने ओरेटर देखे होंगे जो बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनके बारे में आप सुनते हैं, मोटिवेटर्स तमाम सारे होते हैं। इसके अलावा मैथमेटिक्स एंड इंजीनियरिंग, जो मेजर थ्रस्ट है वो आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस, रीजनिंग, लर्निंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग को दिया जाता है। क्लियर है ना मेरी बात? अब अगर एक एग्जांपल लिख लें, अगर एक प्रोग्राम है जो एआई का यूज करके अगर चले और अगर नॉन एआई का यूज करके चले, तो दोनों में अंतर क्या आएगा? कैसे आप दोनों प्रोग्राम्स को डिफरेंशिएट कर सकते हैं? देखिए आपके स्क्रीन पे है कि एक प्रोग्रामिंग विदाउट एआई है, एक प्रोग्रामिंग विद एआई है। A computer program without AI can answer the specific question for which it is meant to solve. मतलब जिस चीज के लिए वो बना है उस तरह के सारे questions का वो जवाब दे सकता है, particular question। और अगर AI है तो generic questions जो भी होंगे उनको वो resolve करके आपको answer provide कर सकता है।
दूसरा प्रोग्रामिंग के बगैर, अगर एआई के प्रोग्रामिंग के बगैर आपने किया है, प्रोग्रामिंग विदाउट एआई, तो मॉडिफिकेशन इन द कंप्यूटर लीड टू द चेंज ऑफ स्ट्रक्चर। कुछ भी चेंज करना होगा तो आपको उसके स्ट्रक्चर को ऑल्टर करना होगा, जबकि एआई प्रोग्राम एनवायरमेंट से एब्जॉर्ब करेंगे और अपने आप को मॉडिफाई करेंगे, और अगली बार जब आप उस तरह की कोई इंफॉर्मेशन देंगे तो बिना अपने स्ट्रक्चर को अफेक्ट किए आपको आंसर प्रोवाइड कर देंगे। दूसरी चीज क्या है कि मॉडिफिकेशन इट इज नॉट क्विक एंड इजी इन प्रोग्रामिंग प्रोग्राम्स विदाउट एआई, where the program with AI are meant to learn by themselves. वो environment से values को लेते हैं और उसके बाद उस पर कोई ना कोई decision form करके अपने database को update कर देते हैं, जिससे कि अगली बार अगर उस तरह का सवाल आए तो आपको जवाब क्या देना है। जैसे answering machine आपने देखी होगी, आजकल जितने भी जेनरिक सवाल होते हैं उनके जवाब आंसरिंग मशीन से ही आपको मिल जाते हैं। आप अगर कॉल सेंटर को कॉल करते हो तो कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव के पास तब आप कॉल ट्रांसफर होती है जब आपसे पूछा जाता है कि क्या आपको कॉल सेंटर एग्जीक्यूटिव से बात करनी है कि नहीं करनी है, नहीं तो मैक्सिमम 80% आपकी कॉल चैट पोर्ट जो बने हुए होते हैं उनसे ही रिजॉल्व हो जाती है। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस सर। तो अब ये चेक करने के लिए कि कंप्यूटर इंटेलिजेंसी एग्जिबिट करता है कि नहीं करता है, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग को भी कुछ लोग कंसीडर करते हैं द फादर ऑफ एआई, बिकॉज ही डिवाइस द ट्यूरिंग टेस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इस ट्यूरिंग टेस्ट में होता क्या है कि एक ह्यूमन बीइंग होता है, एक कंप्यूटर या ह्यूमन बीइंग होता है, और एक कमरे के अंदर आप ह्यूमन बीइंग को या कंप्यूटर को रखते हैं और बाहर खड़े ह्यूमन बीइंग को ये डिसाइड है कि जो कमरे के अंदर है जिसको हम देख नहीं पा रहे वो ह्यूमन बीइंग है या कंप्यूटर है। टेस्ट कंडीशन समझ में आई सर? एक बार और। टेस्ट कंडीशन ये है कि आपके पास एक क्लोज रूम है, ठीक है, उस क्लोज रूम के अंदर या तो ह्यूमन बीइंग होगा या कंप्यूटर होगा, ठीक है, और बाहर आप खड़े हुए हैं, बाहर आप खड़े हुए हैं और आपको ये जज करना है बिना देखे उस रूम के अंदर कि जो कंप्यूटर या ह्यूमन बीइंग है, मतलब वो उसके अंदर कंप्यूटर है यानी मशीन है या ह्यूमन बीइंग है। एक्सपेरिमेंट सेटअप समझ में आया आपको क्या है? Yes, sir. मतलब एक्सपेरिमेंट सेटअप कुछ इस तरीके का है कि एक रूम है, ठीक है, वो रूम के अंदर आप नहीं जा सकते, आप उस रूम के अंदर पीप नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। अब आपको डिसाइड करना है कि उस रूम के अंदर बाय आस्किंग क्वेश्चन, आपको कुछ क्वेश्चन पूछने हैं और उस क्वेश्चन पर आपको बिहेव करना है कि बताना है कि अंदर जो चीज है वो मशीन है कि ह्यूमन बीइंग है। समझ में आई कंडीशन आपको? यस सर। अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन क्लियर है? यस सर। यस सर। यस। ऐसा भला मानो जिसको ना समझ में आया हो कि हम क्या एक्सपेरिमेंट पूछ रहे हैं। आमोद आप हैं? यस सर।
आपको समझ में आया कि क्या कंडीशन है? यस सर। फिर से बता दे रहा हूँ कि मान लीजिए आपका एक रूम है, एक रूम में कुछ चीजें बंद है, या तो एक ह्यूमन बीइंग है रखा हुआ है या मशीन रखी हुई है। बड़ू जवान का वो 5-10 मिनट हो गया। और ये डिसाइड करना है कि कमरे के अंदर ह्यूमन बीइंग है या मशीन है, और वो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप देख तो सकते नहीं हो, बाय आस्किंग सम क्वेश्चन। क्लियर है? तो यहां देखिए, ह्यूमन ह्यूमन क्या करेगा, क्वेश्चंस को टाइप करेगा और स्क्रीन पे आंसर को रिसीव करेगा, और जो दूसरी जगह है वहां पर क्या होगा, वहां पर ह्यूमन या कंप्यूटर उन क्वेश्चंस को प्रोसेस करेगा और रिटर्न करेगा आंसर। अब उसके आंसर देने पर ये निर्भर करेगा कि आप बताइए कि जो है उसके अंदर कंप्यूटर रखा हुआ है या मशीन या जो है ह्यूमन बीइंग है। भाई अगर मान लीजिए कंप्यूटर रखा हुआ है तो सीरीज ऑफ क्वेश्चंस का सीरीज ऑफ आंसर होगा। यस सर। ठीक है, तो इस डायग्राम में क्या है, द डायग्राम ऑफ द ट्यूरिंग टेस्ट शो एन इंटरोगेटर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द टर्मिनल अलोंग वन साइड ऑफ अ वॉल ऑफ अ रूम। मतलब कमरे के बाहर एक इंटरोगेटर है जो आपसे सवाल पूछेगा। कमरे के दूसरी तरफ या तो कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई कंप्यूटर है। अब इंटरोगेटर साइड करना है कि अंदर क्या है, कंप्यूटर है या ह्यूमन बीइंग है। इंटरोगेटर क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। अगर उस क्वेश्चन के सारे जवाब सही होंगे या ऐसे जवाब होंगे जो इंटरोगेटर को लगेगा कि हाँ ह्यूमन बीइंग ऐसे ही जवाब देगा, तो इसका मतलब अंदर अगर ह्यूमन बीइंग नहीं है मशीन है, तो इसका मतलब मशीन एग्जिबिट क्या कर रही है, इंटेलिजेंसी को एग्जिबिट कर रही है। उसने बाहर खड़े आदमी को फूल कर लिया कि वो एक ह्यूमन बीइंग। समझ में आई मेरी बात? एक बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। यानी एक जो आदमी बाहर है वो कुछ सवाल पूछे, उस सवाल के जवाबों के पर बेस करके वो आंसर कर पाए कि अंदर ह्यूमन बीइंग है या कंप्यूटर है। अगर वो सही जवाब दे देता है इंटरोगेटर कि भाई अंदर कंप्यूटर है, अंदर कंप्यूटर निकलता है, इसका मतलब वो पहचान गया कि जो जवाब आ रहे थे वो एप्रोप्रिएट नहीं थे। एप्रोप्रिएट मींस, हाँ जैसे मान लीजिए हमने 5 सवाल पूछे, पहला सवाल पूछूंगा व्हाट इज योर नेम, दूसरा सवाल पहले से डिसाइड कर रखा है, दूसरा सवाल पूछूंगा व्हाट इज योर फादर नेम, तीसरा सवाल पूछूंगा वेयर डू यू लिव, चौथा सवाल पूछूंगा वेयर डू यू स्टडी, और 5वां सवाल पूछूंगा व्हाट इज योर हॉबी। ठीक है, अब अगर मशीन होगी तो वो इन 5 क्वेश्चन को इन्हीं सीक्वेंस में याद रखेगी। यही रखेगी याद कि नहीं रखेगी? अब मैंने पहले सवाल पूछा व्हाट इज योर हॉबी, तो ह्यूमन बीइंग होगा तो वो अपनी हॉबी बताएगा, कंप्यूटर तो अपना नाम बता देगा, नाम बता दीजिए। समझ में आया ना क्वेश्चंस कैसे पूछे जाएंगे और आंसर क्या जाएगा, और क्वेश्चंस पर मतलब आंसर पर बेस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि अंदर ह्यूमन बीइंग है या मशीन है। अब आप कह सकते हैं कि मशीन क्या करेगी, पहले जो आपने सवाल पूछा उसको अपने डेटाबेस में चेक करे और फिर आंसर दे दे, तो इसका मतलब वो इंटेलिजेंसी चेक उसके अंदर इंटेलिजेंसी है, वो ये मान के चल रहा है कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं वो जरूरी नहीं कि उसी सीक्वेंस में हो जो सीक्वेंस आपको बताया गया हो।
क्लियर है ना मेरी बात बेटा? यस सर। टूरिंग टेस्ट समझ में आ रहा है क्या है? यस सर। हाँ सर, कुछ मतलब इस टॉपिक से हट के सवाल पूछ रहा है सर, दूसरा सवाल है। हाँ पूछिए पूछिए सर। यहाँ पे एक कोड लिख रहे थे सर। हाँ। एक 2D एरे को, 2D एरे का वो मेमोरी एलोकेट करना था डायनेमिकली हाँ। सर। कल रात से इसको करने की कोशिश कर रहे, बार बार एक स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है, एक स्क्वायर 2D एरे, उसको डायनेमिकली एलोकेट करना है सर। बार बार कर रहे हैं, जितना इनपुट देना चाहिए, मान ली 3x3 का है, तो 9 इनपुट्स के देने के बाद भी सर वो उसके आगे का मतलब मांग रहा है। और जैसे ही मान लीजिए कोई स्ट्रिंग या कोई कैरेक्टर इनपुट कर रहे हैं, तो जितना मेरा इनपुट है उसको आउटपुट करके साथ में गार्बेज वैल्यू दे दे रहा है सर। समझ नहीं आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है। कल रात से सर ऐसे फंसे हुए सर, बता देते अगर। मतलब आपने डायनेमिक मेमोरी एलोकेट की एरे को, यस सर। तो पहले तो मुझे ये बताओ एरे के यूज में तुमने डायनेमिक मेमोरी क्यों एलोकेट की? सर बैक ट्रैकिंग वाला क्वेश्चन था, तो फंक्शन में 2D एरे को वो करना था, मतलब भेजना था, तो उसके लिए डायनेमिक 2D एरे वो बनाए, एलोकेट किया उसको मेमोरी। अब सर हो ही नहीं रहा मतलब इनपुट में। एरे कैसे बनाया? क्योंकि जब भी एरे सर INT, जब भी एरे बनाओगे तो आपकी क्लोज बाई कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन, हाँ सर, क्लोज बाई मेमोरी लोकेशंस आएंगी ना कंटिन्यूस, हाँ बट डिसकंटिन्यूस तो आएंगी नहीं। यस सर। और डायनेमिज्म का मतलब ये होता है कि डिसकंटिन्यूटी, कि मान लीजिए 101 स्पेस अवेलेबल है और उसका 107 स्पेस अवेलेबल है, तो आपका 101 से 107 तक, 107 से 101 तक लिंक कर ले, यही तो डायनेमिज्म हुआ। सर आपको हम कोड भेज दे व्हाट्सएप पे तुरंत सर, हम मतलब तुरंत भेज दे, आप देख लीजिए एक बार क्या गलत है। बेटा भेज देना, लेकिन मैं जवाब उसे 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद दे पाऊंगा। उसका रीजन क्या है कि 11 से 12 मेरी अभी डीएस की क्लास है, ठीक है बेटा? हाँ सर, डीएस वाली हम लोग की क्लास नहीं है सर, हम लोग के ग्रुप में भी आप भेज दे डीएस वाली क्लास को। तुम्हारे वाले ग्रुप में क्यों भेजा मैंने? ठीक है, इन्फॉर्मेशन आपको मिल गई, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना बेटा? ठीक है, भेज दो व्हाट्सएप करो। ओके सर। तो मेरी बात एलन टूरिंग वाली भाई समझ में आई किसी को कि नहीं आई? टूरिंग साहब का एनवायरनमेंट एक्सपेरिमेंट एनवायरनमेंट क्या था ये समझ में आ गया? है बेटा? यस सर। अब इंटरगोरेटर हैज टू मेक आउट फ्रॉम द आंसर वेदर द बीइंग इनसाइड द रूम इज अ कंप्यूटर और ए ह्यूमन। यही तो आपसे कहा था कि भाई जो आंसर दे रहा है उस पर बेस करके आपको जवाब देना है, भाई अंदर ह्यूमन बीइंग है या इंटरगोरेटर है। इफ इंटरप्रेटर कैनॉट रिलायबली डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन आंसर एंड कंप्यूटर आंसर देन वी कैन से दैट कंप्यूटर पोजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दिस टेस्ट इज डिवाइस्ड बाय ट्यूरिंग टू फाइंड आउट वेदर द मशीन हैज बीन एबल टू कम अप विद द राइट अमाउंट ऑफ इंटेलिजेंस टू मैच ह्यूमन इंटेलिजेंस इन आंसरिंग क्वेश्चन। क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। अच्छा चलो, आप जितने लोग उधर बैठे हो मतलब सब लोग ह्यूमन बीइंग हो, आई होप सो। तो यही है, है? यस सर। ह्यूमन बीइंग है कि नहीं है? अभी तक तो यही बता था सर। ज्योतिराधा भाई ये बताओ, अब मैं तुमसे एक सवाल पूछने जा रहा हूँ, उसका जवाब मुझे दो। यस सर। नी पेरू MD? हाँ, आगे हो गया सवाल, हो गया। नी पेरू MD? हाँ।
That's a good question. But what is our good answer? Question to good hai, but what will be the good answer? Question kya sir? Ni Peru. मैंने इनसे पूछा नी पेरू एमडी सर केवल देख रहे हैं कि इंसान नहीं नहीं मेरा क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ही बता दो आंसर तो छोड़ लैंग्वेज समझ में आई नी पेरू एमडी नो सर नेपाली की भाषा है क्या नेपाली हिंदुस्तानी भाषा है साउथ की सर हो सकता है अच्छा चलो तो इसका मतलब है सर क्लास ओवर होने वाली आप सब लोग बहुत हैं आपसे एक और सवाल पूछ लेता हूँ कोई इंटेलिजेंसी तो समझ नहीं आती अच्छा मैं कुछ चीजें बोल रहा हूँ इसका मतलब बताओ क्या पता सर आप जो पढ़ा सर एक मैं बोलूं नहीं ये एक मैं बोलूं गूगल पे डालोगे एक सेकंड ये गूगल पे डालोगे तो गूगल तुमको इसका आंसर देगा नहीं दे रहा है सर डाला अभी नहीं दे रहा मतलब कुछ हो रही है सर इचनी शांशी गोरुक सुछज कोजू है ये जापानीज में गिनती है एक से लेके दस तक के और जो नी पेरू एमडी पूछा था उसका मतलब होता है तमिल में तुम्हारा नाम क्या है व्हाट इज योर नेम सर आपने पूछा ज्योतिरादित्य नी पेरू एमडी ये कैसे ज्योतिरादित्य आपका भाई नाम क्या है तो आपको बताना चाहिए अपना नाम फिर से दोबारा सवाल तो कुछ भी होता है ना भाई एक सवाल एक दो जगह रिपीट नहीं हो सकता अरे सर एक बात बताइए सर नोट्स वोट्स कुछ बनाना है हाँ बिल्कुल बनाना है सर तो इसका पीडीएफ सेंड करिए सर अच्छा अभी देखो पीपीटी अभी तुरंत सेंड कर देता हूँ लेकिन ये पूरी पीपीटी तुम्हारे काम आएगी नहीं सर इसमें बनाना क्या क्या है सर फिर हम लोगों को वही एक एक पॉइंट लिख लेंगे सर कॉपी में और क्या भाई जितनी चीज बता रहा हूँ उतनी चीज समझ में आ रही है आ तो रही है सर यस सर तो उतनी चीजों को खाली आप वो हेडिंग्स जो है लिख लीजिए और ये मैं आपको अभी नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा तो वो हेडिंग्स में वो नोट्स को लिख लीजिए सर आप नोट्स बना के दे दीजिए हम लोग कॉपी कर लेंगे हाँ बहुत है सही बात है ठीक है हम नोट्स बना देंगे आप कॉपी कर लेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसमें भी बैक आएगी बिल्कुल आएगी नहीं पढ़ा तो आप इतने अच्छे से पढ़ा रहे हैं सर बैक कहाँ से लगेगा मतलब हम पढ़ा रहे हैं सही से ऐसा तो नहीं नहीं समझ में आ रहा है तो ये जो दो सवाल पूछे थे इसका मत इस ये क्यों पूछे थे ये बता सकते हो हम समझ जाएंगे इंटेलिजेंस प्रोसेस कर रहे हो ये एलन टूरिंग के टेस्ट के फेलियर थे कि अगर मान लीजिए मशीन या कंप्यूटर या ह्यूमन बीइंग जो कमरे के अंदर बैठा हुआ है उससे सवाल हम उसके ऐसी लैंग्वेज में पूछे जो उसको मालूम ही ना हो तो क्या वो जवाब दे पाएगा नो सर तो ये फेलियर था एलन टूरिंग के टेस्ट का केवल यही फेलियर था समझ में आई मेरी बात यस सर तो प्रैक्टिकली क्लियर है ना क्यों क्या दिक्कत थी एलन टूरिंग के टेस्ट में कि अगर आपका जो क्वेश्चन है और उसकी जो लैंग्वेज है वो वही लैंग्वेज ना हुई जो यूजर को मालूम है जो अंदर वाला व्यक्ति बैठा हुआ है उसको मालूम है तो वो सही जवाब नहीं दे पाएगा ऐसे टाइम हो गया किसका किसका समय हो गया बेटा
क्लास ओवर का बता रहा है सर वो, हमें लगा किसी और का समय हो गया तो सुनने लगे भाई उसका समय हो गया तो भगवान उसकी आत्मा को शांति दे सर। हाँ सर, नोट्स कॉपी सर कैसी बनेगी हम लोग की? नोट्स कॉपी कैसे बनेगी हम मतलब सर इंटरलीव बनाए कि सर रूल्ड बनाए? अम्मा भैया हाँ सर, इंजीनियरिंग में आ गए हो तुमको जैसी तुम पढ़ना तुमको है, अब तुम चाहे वो सिर्फ बुद्धिमाने वालों पे लिखो चाहे क्लासमेट पे लिखो, मुझे क्या समझ में, मुझे क्या मतलब। ओके सर, अम्मा और भैया दोनों। अच्छा सर नोट शेयर कर दीजिएगा सर। हाँ नोट शेयर कर दूंगा। इतनी चीज समझ में आई एलन टूरिंग की भाई? यस सर आ गई। यस सर ठीक है, तो फिर अब अगले क्लास में मुलाकात करते हैं कल, और तब तक के सुब्रत आपके सवाल को भी मैं जवाब देने की कोशिश। सर नोट्स कब तक प्रोवाइड करेंगे कि आपको? सर एक बस दो मिनट देख लेते सर, कल रात से परेशान इसी को लेके। हाँ तुम परेशान अपना हो, देखो मैं परेशान होता हूँ। ठीक है नोट्स बेटा अभी रुक जाओ एक दो दिन। शीट तो दे दो तुमको। ये सर अभी कुछ सेंड नहीं किए ना सर? हाँ तो अभी कुछ नहीं भेजा है, परेशान ना हो। ग्रुप ज्वाइन कर लिया है? क्लासरूम ज्वाइन कर लिया है? गूगल क्लासरूम, बस गूगल क्लासरूम पे ही सेंड करूंगा, सबको मिल जाएगा। लिंक भेज दीजिए एक बार फिर से सर। ठीक है अभी मैं ग्रुप में जो सिविल फर्स्ट ईयर वाला ग्रुप है उसमें सेंड किया दे रहा हूँ ग्रुप लिंक। ठीक है यस सर, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, बाय सर, राधे राधे सर, राधे राधे।